भाई फेसबुक से हर कोई पैसे कमाना चाहता है, लेकिन अभी फेसबुक पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी आप पैसा तो कमा लोगे, आपने चाहे $100 हो, चाहे आपका 1,000 हो, चाहे 10,000 हो, या एक्स वाई जेड कोई भी अमाउंट आपका हो डॉलर्स के अंदर, आपकी अर्निंग हो गई किसी भी टूल से, चाहे आपका इनस्ट्रीम एड्स, एड्स ऑन रील्स, बोनस, स्टार्स एंड मोर एंड मोर। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपका वो पैसा आपके पे आउट के सेक्शन में जाएगा, प्रोसीड होगा, जैसे ही बिल जनरेट होगा तो बिल जनरेट होते ही पता चला आपका ऑन होल्ड हो गया। अब ऑन होल्ड होने का सबसे बड़ा कारण, देखिए कई चीज़ें, मे बी आपका पे आउट की डिटेल्स गलत हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि फेसबुक ने आपसे वेरिफिकेशंस की नीड की हो, लेकिन आपने उसको मेल वगैरह चेक ना किया हो, या आपने अपना सपोर्ट इनबॉक्स ना चेक किया हो। तो मोस्टली अभी बहुत सारे लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन शॉट, आप देखो यहाँ पर लोगों को मिल रहा है कि व्यू सपोर्ट इनबॉक्स। सो व्यू सपोर्ट इनबॉक्स के अंदर लोग ध्यान नहीं दे रहे कि आखिर में ये क्यों अलर्ट दे रहा है, एरर क्या है। बट भैया देखो ये बहुत काम का है, अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा ना तो आपका जो पेमेंट है जितना भी बना है आप उसको निकाल भी नहीं पाओगे, आपके खाते में नहीं आने वाला है जब तक कि आप फेसबुक को वो डिटेल्स आप प्रोवाइड नहीं करा पाओगे। अब इस पर दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है कि फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भैया क्रिएटर्स के लिए वो अच्छा कर रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो भैया हो सकता है कि जिन लोगों ने गलत कुछ यहाँ वहाँ तामझाम करके अगर कुछ भी नाम यूज़ कर लिया तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ सब कुछ डिटेल्स में ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। देखो वीडियो को पूरा सब कुछ कंप्लीट देखना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप इस प्रॉब्लम में फंसो तो बोला अरे यार ये वीडियो तो मैंने थोड़ा सा झलक देखा था, तो झलक नहीं पूरी फिल्म देख लो ये वाली, और फिर उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली अगर ये प्रॉब्लम्स को भी आप भी फेस कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रॉब्लम ना आए। दूसरा पॉइंट, अगर आ गया तो क्या काम करें ताकि इस प्रॉब्लम से हम निकल सकें और जो पैसा फंसा है वो रिलीज हो जाए। तो एवरीथिंग, और ये सबसे मेन चीज़ की दिखेगा कहाँ वो भी आप समझो। देखो तो पहले आप हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देखो और उसके अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग सब कुछ डिटेल्स में। तो भैया देखो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से देखो, अब देखोगे यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट की बात करें तो $1,744 लगभग $1,745 हो गया। अब अगर $1,745 को अगर एक रफली अगर आप डॉलर टू NRI कर लोगे ना, आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डॉलर टू INR कर दोगे $1,745 तो भैया लगभग वो 1.5 लाख रुपए के राउंड फिगर में ये फंसा हुआ है, 1.5 लाख रुपए लगभग फंसा हुआ है। अब इसमें देखोगे आप लिखा क्या आ रहा है कि देखो पेमेंट सब कुछ आ रही है, सब कुछ अपडेट हो रहा है, बट पेमेंट ये पेड नहीं हो रहा है। पेड ना होने का कारण क्या लिखा आ रहा है, यू हैव एन ऑनगोइंग केस विद योर पे आउट, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट सपोर्ट पेज एंड चेक योर इनबॉक्स। तो मतलब ये इशू क्यों है, ये बोल रहा है कि पहले अपने सपोर्ट में जाओ, यानी सपोर्ट इनबॉक्स में जाओ, वहाँ पे देखो कि प्रॉब्लम क्यों है। अब जैसे ही सपोर्ट इनबॉक्स के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मिलेगा कि यू हैव रिसीव अ मैसेज फ्रॉम फेसबुक कंप्लायंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 22 फरवरी 2024 को उनको सबसे पहला मैसेज मिला था। लोग ये चीज़ ट्रैक नहीं कर रहे, लोग इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आज की डेट में इनको फिर से एक मैसेज मिला है, और लेकिन अभी भी इनका सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 4 मैसेज इनसे बात किए। तो हम पहले मैसेज पर चलते जो इनको 22 तारीख को आया था। देखिए 22 फरवरी को इनको 14:53 पर एक मेल आया, मैसेज आया, मैसेज में क्या लिखा आ रहा है तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाने के लिए इसको ना हिंदी में लेके चलता हूँ आपको, ताकि आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आए, नहीं तो ऐसे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखो समझो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी ऑडियंस है जो भैया उनको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आती चीज़। देखिए जैसे यहाँ पर मैसेज है कि हमें आशा है कि यह संदेश आपको अच्छा लगेगा, हमारे प्लेटफॉर्म के निर्माता का मुद्रीकरण यानी जो टूल्स है, मोनेटाइजेशन टूल्स है, उसके उपयोग करने के संबंध में अधिक जानकारी का अनुरोध कर रहे हैं, इसलिए इसको लिख रहे हैं भैया। तो आपके खाते पे जो कौन लोग हैं, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ऑल एडमिन्स एसोसिएटेड विद योर अकाउंट्स। तो मतलब आप मोस्टली कई लोग क्या करते हैं, एक एडमिन के अलावा मल्टीपल एडमिन रखते हैं, अच्छा उनको भी बना दिया, उनको भी बना दिया, उनको भी बना दिया, उनको भी बना दिया। मैं पेज के एडमिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आउट के एडमिन की। ठीक है, सो पे आउट के एडमिन में मल्टीपल एडमिन हम लोग बना के रखते हैं ताकि कम से कम एटलीस्ट हमारा पे आउट सेफ एंड सिक्योर रहे। लेकिन वो यही बोल रहा है कि भैया जो आपने इन ऑर्डर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ऑल एडमिन्स, मतलब सभी एडमिन्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करना है,
जो कि आपने अपने अकाउंट से कनेक्ट कर रखा है, वी काइंडली आस्क दैट यू प्रोवाइड अस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो क्या है, देखो जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है किस डॉक्यूमेंट्स है, लाइक अ क्लियर आर द, देखो यहाँ पे लीगल कॉपी ऑफ वैलिड गवर्नमेंट इशूड है, लाइक क्या होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नेशनल आईडी कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। और यहाँ पे इसके अलावा आप यहाँ पे और चीज़ देखोगे, अगर आपके पास बोल रहा है इफ़ योर पे आउट मेथड इज़ थ्रू ए बैंक अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड इज रिसेंट, मतलब दो चीज़ मांग रहा है कि मतलब आपका 6 महीने के अंदर आपका, देखो यहाँ पे समझो ये बोल रहा है कि यदि आपका भुगतान विधि किसी बैंक खाते के माध्यम से, तो कृपया भुगतान के लिए निर्दिष्ट खाते के हाल में ही जारी किए गए 6 महीने की कम से कम 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब विद इन 6 मंथ वाला आपको बैंक स्टेटमेंट आपको देना है। अगर आपके पास बैंक नहीं है, पेपाल है, तो पेपाल का जो स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड कराना है। क्लियर, दो चीज़ें यहाँ पे आपको, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट देना है और दूसरा आपका जो पेमेंट जिस बैंक में आया है, पेपाल में है, उसकी आपको स्टेटमेंट देनी है, लेकिन 6 महीने से पुराना नहीं हो। वो स्पेशली बोल रहा है, हम समझते हैं कि यह जो है भैया अनुरोध जो है दखल देने वाला हो सकता है क्योंकि पेमेंट रुक जाएगी, और बोल रहा है कि भाई क्योंकि आपके लिए आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बोला कृपया अपने सहायता इनबॉक्स पर जाएं और इस चीज़ को अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वहाँ पर इसके माध्यम से चैट वगैरह जिससे आप प्रोसेस करें आगे, यानी आपको सब कुछ यहीं इनबॉक्स में प्रोवाइड कराना है। एक चीज़ और बोल रहा है सबसे खास बात कि प्लीज़ नॉट दैट फेलियर द प्रोवाइड, बोल रहा है कि कृपया ध्यान दें कि 60 दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफलता के परिणाम स्वरूप आपके खाते के निर्माता मुद्रीकरण उपक्रम, मतलब जो आपका मोनेटाइजेशन है वो खो दोगे आप। ये देखो स्पेशली मेंशन है कि लॉस ऑफ क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल्स ऑफ योर अकाउंट, और भी बोल भी रहा है कि वी अंडरस्टैंड दैट दिस मे बी एन इनकन्वीनियंस बट इट इज़ द नेसेसरी टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड, मतलब भैया सब कुछ जो है ना ये आपका जितना है ना आपकी उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब ओवरऑल एक चीज़ समझो कि आपके पे आउट में अगर मल्टीपल एडमिन्स हैं, अगर आपने मल्टीपल एडमिन्स हैं तो उसमें आपको ये डिटेल्स देना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रास्ता नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लो। तो इससे आपको क्या बात समझ में आई, इससे एक सबसे मेन चीज़ आपको समझ में आई कि जब आप कोई भी मोनेटाइजेशन ऑन कर रहे हैं तो वो आपका डिटेल्स बिल्कुल सही होना, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक और चीज़ कि इनको पास जो फरवरी है तो क्या हुआ 22 फरवरी से 22 मार्च एक महीना, 22 मार्च से 22 अप्रैल 2 महीना, है ना, तो 2 महीना 60 दिन तो ऐसे ही कमा दिए, और आज क्या है 16 मई है, तो भैया ये तो ज़्यादा दिन हो गया। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, फिर से इनको देखो दोबारा भेजा 15 मार्च को, देखो सेम वही मैसेज, सेम वही हर चीज़ भी इनको दोबारा रिमाइंड दिया, नहीं समझे, फिर इनको 3 अप्रैल को दोबारा सेम चीज़ बोला कि भैया इसको मुझे दो, है ना, आप यहाँ पर मुझे दो, नहीं तो यहाँ पे देखो इनका, हाँ इन्होंने फिर भेजा भी, देखो आप यहाँ पे इनका, इन्होंने यहाँ पे जब आया तो उसके बाद इन्होंने प्रोवाइड कराया, लेकिन जो इन्होंने बोला कि रिव्यू किया हमने, लेकिन रिव्यू करने पे हमने क्या पाया, आप देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी हैव रिव्यूड योर रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड नोटिस, तो मतलब ओवरऑल क्या इनको जब डॉक्यूमेंट मिला तो प्रॉब्लम क्या है इनके केस में, देखो लिखा रहा थैंक यू, देखो यहाँ पे स्पेशल देखो आप क्या लिखा रहा है, ये रहा देखो बोला थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स इन द प्रोवाइडेड बैंक डॉक्यूमेंट, द बैंक अकाउंट होल्डर नेम इज ये मनोज कुमार इज नॉट मैचिंग विद द कंपनी ऑनर नेम मुन्ना कुमार। अब आप क्या समझे, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है, मैं सिर्फ इसी लाइन को अगर कॉपी करूँ, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि अगर मैं इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे जस्ट इसी को पेस्ट मार, तो आप देखो क्या लिखा है, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, प्रदान किए गए बैंक दस्तावेज में खाता धारक का नाम मनोज कुमार है, जबकि जो मालिक का नाम है वो मुन्ना कुमार है, जो कि मेल नहीं खा रहा है, इस वजह से हम इसको आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो भैया ऐसा है कि देखो ऐसी कोई डिटेल्स आपको शेयर नहीं करनी है। अब समझो बात को, देखो अब आप ध्यान से समझिए, अब आप मेन चीज़ समझ रहे हो कि क्या है कि जो आपका पे आउट आप जब डालते हैं ना, तो पे आउट डालते टाइम पर जो आप नाम यूज़ कर रहे हैं वो नाम का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने डाला है भाई श्याम कुमार, या मान लीजिए श्याम लाल डाला आपने, है ना, या मान लो कि अमित शर्मा किसी का नाम है, तो बंदे ने डाला अपना पूरा मोनेटाइजेशन के टाइम पे नाम डाला, फर्स्ट नेम डाला अमित, लास्ट नेम डाला शर्मा, डिटेल्स डाला, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के सब पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली। इसके बाद में अब बैंक अकाउंट आपने ऐड कर दिया, मान लीजिए सीमा के नाम से, रानी के नाम से, राहुल के नाम से, एक्स वाई जेड,
क्योंकि पॉसिबल है, किया जा सकता है, क्योंकि भाई आपका पैसा मान लो आपने डाला तो भाई अमित शर्मा के नाम से बैंक अकाउंट डाल दिया आपने, प्रीति सीमा रानी जो भी कुछ भी के नाम से। अब इसमें क्या होगा कि जब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि डिटेल्स तो आपका है भाई अमित के नाम से, बैंक अकाउंट जो डाला ऐड हो रखा है वो है आपका रानी के नाम से, अब प्रॉब्लम हो गया ना यहाँ पर, वो मैच ही नहीं कर रहा है। तो फेसबुक यही चीज़ आइडेंटिफाई कर रहा है कि भैया ये पैसा जो हम भेज रहे हैं क्या करेक्ट पर्सन के अकाउंट में भेज रहे हैं या नहीं, और अगर हम भेज रहे हैं तो उसका पूरा एक्यूरेट मुझे डेटा दो, डेटा का मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कराओ। तो आपके पास में जो भी आप अपना बैंक अकाउंट डाल रहे हैं ना, जिस भी नाम से और जिस नाम से आप टैक्स आईडी डाल रहे हैं, तो टैक्स आईडी और बैंक अकाउंट ये दोनों चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो ट्राई करें कि ये डेटा जो आपका पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पैन कार्ड जो टैक्स आईडी है, दूसरा आपका बैंक अकाउंट, ये तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, वो आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि जो भी डिटेल्स डालो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालो। तो एक एग्जांपल और समझाता हूँ, मान लीजिए किसी बंदे का नाम है राहुल शर्मा, पूरे मोनेटाइजेशन के टाइम पे सारी डिटेल्स डाल दी राहुल शर्मा की, पैन कार्ड भी डाल दिया राहुल शर्मा के नाम से, टैक्स आईडी वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट में भी राहुल शर्मा का नाम है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसकी की जगह पे कोई और बंदा है, मान लीजिए कि भैया अनिल सिंह है, अनिल सिंह के नाम से डिटेल्स डाला, बैंक अकाउंट डाल दिया पवन सिंह के नाम से, टैक्स आईडी डाल दी घनश्याम सिंह के नाम से, ऐसा मत करो, एक्यूरेट एक जैसा मैचअप करके डिटेल्स डालो। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, बाकी इस अकाउंट के ऊपर वर्क करूँगा, इस अकाउंट को जल्दी रिजॉल्व करूँगा। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को, और आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अगर पैसा आपको अकाउंट में चाहिए ना तो इन प्रोसेस को फॉलो कर लो, नहीं तो पैसा वैसा मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझे, बाकी जैसे इस अकाउंट को मैं रिजॉल्व करूँगा तो आपके डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, पूरा प्रोसेस बताऊँगा। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट, और वीडियो चलेगी इसको लाइक कमेंट करें, और जिन लोगों की प्रॉब्लम है भैया चीज़ों को समझो, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, फिलहाल के लिए इतना ही। और आपका एक काम है भैया, देखो आप तो सीख गए, इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले, और वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें ताकि सेटअप वटअप के टाइम पर सब चीज़ उनको पता होना चाहिए। फिलहाल मिलते हैं, मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो।